झटका सर, ये जॉन पकड़ में नहीं आता है, बहुत तेजी से भागता है। कोई ऐसी मशीन बना दो कि जॉन स्लो मोशन में भागे और मैं उसे आराम से पकड़ लूं। ये लो मेरा स्लो मोशन गैजेट, और जब इसके ग्रीन बटन को दबा के एक्टिवेट कर दोगे तो इसकी रेस आसपास के सब लोगों को स्लो कर देगी, और रेड बटन दबाओगे तो सब नॉर्मल हो जाएंगे यार। इससे तो मैं भी स्लो हो जाऊंगा, तो उसे पकड़ूंगा कैसे 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 कैसे? और ये लो रिस बैंड, जिसने इसे पहना होगा उस पे ये मशीन असर नहीं करेगी यार। 2-3 बैंड एक्स्ट्रा रख लो अपने हवलदारों के लिए, है? अच्छा, बॉस को जाके बताना होगा। You are my hero, hero. You are ready for shooting? Yes, ready, ready. Please take off your wrist, watch bands, everything. ये लो सब कुछ तुम्हारा है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे उठाओ। एक के साथ दूसरा भी। स्लो मोशन गैजेट से फास्ट हो गया हमारा काम, अब घर चलते हैं, खा पी के करेंगे आराम। अरे पतलू पतलू, देखो कितनी सुंदर तितली, लगता है ये भी सोने की बनी है। चलो इस तितली को पकड़ के डॉक्टर झटका को दिखाते हैं, वही बताएंगे कि ये असली सोने की है या सिर्फ इसका रंग ही सोने का है। डॉक्टर झटका को दिखाने के लिए ये कोकून भी ले चलते हैं। बूढ़ी बाबा, ये तो असली सोना है। ओए सोने की तितली उड़ गई, कोई बात नहीं, पता ये करना है कि ये कैटरपिलर आया कहाँ से। वो जगह मिल जाए तो हमारे पास सोना ही सोना होगा। ये लो कैटरपिलर ट्रैकिंग डिवाइस, इसे आंखों में पहन लो और जिस जगह पहली बार कैटरपिलर मिला था वहाँ जाओ और वहाँ से कैटरपिलर के ट्रैक फॉलो करो, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो आया कहाँ से था। ये ट्रैक इस केव में जा रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। जरूर यहाँ कई सालों पहले सोने की खान थी जो बंद कर दी गई, शायद उसी का असर इन पे हुआ और ये सब के सब गोल्ड के बन गए यार। ओए हम यहाँ ऐसी होली खेलेंगे कि लोग भाग भाग के यहाँ आएंगे। ये है रेन कलर मशीन, मेरी ये मशीन आसमान से रंग बरसाएगी, बलून बरसाएगी यार। मशीन से आसमान से रंग बरसेगा, बलून बरसेंगे, लेकिन कैसे कैसे दिखाओ दिखाओ ना। डॉक्टर झटका, बड़े भैया आसमान से रंग बरस रहा है, बड़े भैया आप तो कमाल हो, चलो सबको बुला के लाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, सुबह ड्यूटी शाम ड्यूटी, ना तो टीवी के सामने बैठने का टाइम मिलता है और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम। ओए चिंगम सर, मैं तुम्हें एक ऐसा न्यूज टैब देता हूँ जिसमें रोज ताजा ताजा न्यूज तुम पढ़ सकोगे, और ये छोटा सा है, इसे अपने साथ लेकर कहीं भी घूम सकते हो यार। है। चलो
चलो देखते हैं इसमें क्या न्यूज आई है। अरे माँ, मेयर साहब के घर में चोरी, मेरी तो नौकरी गई। मैं जाता हूँ। थैंक्स फॉर टैब डॉक्टर झटका, थैंक यू। चिंगम सर, हम भी साथ आते हैं, चोर को पकड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। क्या क्या चोरी हुआ, कब हुआ? आपने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? आप लोग पुलिस को खबर नहीं करेंगे तो पुलिस चोर को कैसे पकड़ेगी? फिर आप ही पुलिस को दोष देते हो कि हम काम नहीं करते। चिंगम जी, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। अरे माँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो न्यूज पढ़ी थी। डालो जल्दी। पुलिस अगर ना हो तो घर घर में चोरी हो। आप शक्तिशाली हो चिंगम सर, आप शक्तिमान हो। नाउ एक्सक्यूज मी। थैंक यू। वो कौन था? चोर, चोर, पकड़ो उसे। अम्मा, पुलिस। अरे आप ही तो पुलिस हो, अब किसे बुला रहे हो? अरे ओ डॉगी, तू डॉगी ही रहेगा। अरे इंसानों के साथ रहता है लेकिन इंसानों वाली कोई बात तेरे अंदर नहीं है। अरे रात को खुद भी नहीं सोता और हमें भी सोने नहीं देता। अरे नहीं। ओ मोटू मेरे यार, आज से वो डॉगी तुम्हारी हर बात मानेगा। तुम जो कहोगे वो वही करेगा। ये लो रेड पट्टा, उसके गले में पहना देना, और ये ग्रीन पट्टा तुम खुद पहनना है। लेकिन बड़े भैया, ये गले में पट्टा पहनाने से क्या होगा? तुम्हारी हर बात उसे समझ में आएगी और वो इंसानों की तरह बात करेगा। थैंक यू बड़े भैया, अब रोज रात को उसको हुक्म दूंगा कि सो जाओ और वो सो जाएगा। मैंने डॉगी को बिस्किट खाने के लिए दिया, वो खाने में मगन था। मैंने उसे पट्टा पहना दिया और दूसरा पट्टा खुद पहन लिया। अब मैं जो कहूंगा वो डॉगी मानेगा। मोटू, तुमको ग्रीन कॉलर पहनना था, अरे ये रेड क्यों पहन लिया? रेड तो डॉगी को पहनाना था। ग्रीन मेरे कपड़ों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। ये रेड देखो, मेरे कपड़ों से कितना मैच कर रहा है, और मैं स्मार्ट भी तो लग रहा हूँ। कोई और भी स्मार्ट लग रहा है, पीछे देखो। है, मेरा नाम डॉगी है और ये मेरा घर है। और सुनो, मेरे सोने का समय हो रहा है। तुम दोनों बाहर जाओ और इस घर की रखवाली करो। कोई भी आए तो जोर जोर से भौंकना और उसे काट लेना। जोर जोर से भौंकना? अरे हमें क्या डॉगी समझा है? अगर मेरा हुक्म नहीं माना तो पॉटी में इतने काटू काटू करूंगा कि जिंदगी भर बैठ नहीं पाओगे, समझे? काटू काटू नहीं करना, हम जा रहे हैं। डॉक्टर झटका, मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से कुछ दवा दे दो। ओ पुत्र मेरे यार, तुम चिंता मत करो, ऐसा इंजेक्शन दूंगा कि तुम्हें आगे तो क्या पीछे भी दिखाई देगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, आराम से। ओ लो, हो गया यारी। थैंक यू डॉक्टर झटका। ओए पतलू, तुम ठीक तो हो ना यार? अब मुझे एकदम ठीक दिख रहा है। मैंने वो नई दवा बनाई है, उससे पीछे भी दिखेगा, ऐसी दवा है। पीछे भी दिखेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मोटू, मैं आ गया हूँ, डोंट वरी। वो हमें डराने के लिए ऐसा भेस बना के आया है। तुम्हें पीछे से दिख सकता है। डॉक्टर झटका जीनियस है, ग्रेट है, बुद्धिमान है। अरे उसने कहा था कि मैं पीछे भी देख सकूंगा, तो ये डॉक्टर झटका का किया धरा है। अरे ये देखो और फिर बताओ। अरे ये क्या कर दिया डॉक्टर झटका ने? उड़ी बाबा।
देखो घसीटा राम, झटका ने मुझे इंसान से एलियन बना दिया। अरे बड़े भैया, क्या एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं? हो गया, मेरा गैजेट ऑफ इंटेलिजेंस तैयार है। वो ये इंसान को पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट बना देगा। सिर्फ गर्दन में एक चिप लगा के एक्टिवेट करना है। चिप लगाओ, इंटेलिजेंट बन जाओ। चिप हटाओ, वापस नॉर्मल बन जाओ। है तो वो चिप मुझे लगा दो, मैं और भी इंटेलिजेंट बनना चाहता हूँ। आ जाओ मोटू, इधर कुर्सी पे बैठो। ओए ये क्या कर दिया वो? पतलू बुक्स को रोको जल्दी। ओ मोटू मेरे भाई, मेरी यारी, तुम ठीक तो हो ना? है डॉक्टर झटका, मैं ठीक हूँ, लेकिन और भी ठीक होता अगर आप इस ड्रम की रोटेशन स्पीड 50,000 राउंड पर सेकंड से बढ़ा के 1,00,000 राउंड पर सेकंड कर देते तो मुझे 440 वाट की जगह 220 वाट का ही करंट लगता और तकलीफ कम होती। ओके, कीप इट इन माइंड एंड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। अरे बड़े भैया क्या हो रहा है? तुम्हारी मतलब की चीज बना रहा हूँ, ये है जंबो मशीन। अब तुम एक समोसा इस टेबल पर रखो, वो बड़ा होके जंबो साइज हो जाएगा और तुम छोटे समोसे की कीमत में एक बड़ा समोसा खा के अपना पेट भर सकते हो यारी। अरे ये तो मजा आ गया, एक छोटा समोसा खरीदूंगा और इतना बड़ा करके खाऊंगा। डॉक्टर झटका, यू आर ग्रेट। मोटू मामू, बलून फुलाने की कोई मशीन नहीं है क्या? उससे जल्दी जल्दी बलून फूल जाएंगे। ओए मेरे होते हुए मशीन की क्या जरूरत है यार, ये लो हर बलून में एक एक गोली डालते जाओ और बलून खुद ही फूल जाएगा। है अच्छा, शरबत तो पी लो। उड़ी बाबा, बलून फुलाने का ये तो बहुत अच्छा तरीका है। ओए ये है मेरी टेलीपोर्टिंग मशीन, हम सब इसमें अंटार्कटिका जाएंगे। ओए मोटू पतलू, तुम लोग बच के नहीं जा सकते। I don't fight, stop in the name of law, लड़ना बंद करो। आई अम्मा, हम है कहाँ? ओए हम अंटार्कटिका आ गए हैं यारी, अब लड़ाई झगड़ा छोड़ो और एंजॉय करो। मेरे पास एक्स्ट्रा गर्म कपड़े हैं यारी, वो तुम्हें दे दूंगा। है जय हो, हम तो अब इस ठंडी में मजे करेंगे, यहाँ तो गर्मी का नामो निशान तक नहीं है। डॉक्टर झटका, चूहो ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, दिन रात हमारे ही घर में तांडव मचाते रहते हैं। बड़ा भैया कुछ करो। ओ ये लो यार, रेड फ्री गैजेट, इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा घर चूहों से फ्री हो जाएगा यार। सिर्फ ये मास्क लगा के इसको ऑन करना, इससे जो रेज निकलेंगे वो चूहों को हमेशा के लिए भगा देंगे। थैंक यू बड़े भैया, गैजेट की रेज पूरे घर में फैला देते हैं, अब यहाँ एक भी चूहा नहीं आ पाएगा। डॉक्टर झटका ने कहा था ये मास्क पहन के गैजेट ऑन करना, हम तो इसे पहनना भूल ही गए। अरे तो ठीक है ना, लाओ अब पहन लेते हैं। ये मास्क इतना बड़ा कैसे हो गया? और ये घर इतना बड़ा कैसे हो गया? हम चूहे बन गए।
इस डॉक्टर झटका को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ घसीटे मेरे यार, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे रंग बिरंगे इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम बहुत ही शक्तिशाली इंसान बन जाओगे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान यार। नहीं बनना, मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान नहीं बनना, खोल दो मुझे। ओ मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये रंग बिरंगे इंजेक्शन देख रहे हो ना, इनको जिसके बदन में लगा दूंगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। हाँ बड़ा भैया, मुझे शक्तिशाली इंसान बना दो। हाँ लगाओ, जल्दी लगाओ। क्रिकेट मैच आ रहा है और हमें देखना है, हमें कोई ऐसा टीवी दो जो बिजली चली जाए तो बैटरी से भी चले और जिसमें तस्वीरें बहुत साफ साफ हो। ओ मेरे यार ये लो, मेरे पास एक बैटरी ऑपरेटेड टीवी है, इसके एंटीना में इतना लंबा वायर है कि जब तक रिसेप्शन क्लियर ना हो एंटीना को ऊपर लेते जाओ और वायर खुलता जाएगा। है? बुड़ी बाबा, कहीं तो कुछ जल रहा है। वाह डॉक्टर झटका, कितना अच्छा रिसेप्शन है। वाह वाह बड़े भैया, मजा आ गया। और दोस्तों मैंने एक ट्री ग्रोइंग गैजेट बनाया है जो हर पेड़ को जल्दी बड़ा करेगा और बहुत ही अच्छा और तंदुरुस्त रखेगा। ये देखिए, ये है मेरा गैजेट। ओ मोटू ये क्या कर दिया, ये कुछ काम बाकी है मेरे यार। चिंगम सर, चिंगम सर, हर जगह सांप ही सांप है। मुझे मालूम है। कुछ करो मोटू, कुछ करो। मैं बीन बजा बजा के सांपों को शहर के बाहर छोड़ दूंगा। सांप तुमको काट लेंगे मोटू, ऐसा मत करो। मैं मोटू को ऐसा एंटी स्नेक स्प्रे दूंगा कि सांप उसकी महक सूंघ के मोटू के बदन के पास भी नहीं आएंगे यार। जय हो, अब देखो मेरी बीन का कमाल। बस करो, हम और नहीं नाच सकते। तुम लोग इस शहर के किनारे से दूर चले जाओ, बीच जंगल में कहीं भी। इतना काटूंगा कि जब तुम पानी पियोगे तो बदन फुवारे जैसा हो जाएगा। ओ, अब देखना मेरे स्प्रे का कमाल है। कितना खराब परफ्यूम लगाया है, इसके पास जाना तो नामुमकिन है। मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये लो चश्मा, ये पहन के रखो, ये है पॉजिटिव थिंकिंग ग्लेयर्स है। ओ मोटू, जब तक तुम ये चश्मा पहन के रहोगे यार, तब तक तुम नेगेटिव सोच भी नहीं सकते। कभी भी तुम अगर इम्पॉसिबल वर्ड सुनोगे तो फौरन उस काम को पॉसिबल करके दिखाओगे। उड़ी बाबा, डॉक्टर झटका, तुम जॉब भी मोटू को कोई गैजेट देता है, ये कोई ना कोई नुकसान करता ही है। इसे अपना लैब से बाहर भेजो, वरना ये इस लैब को ही बर्बाद कर देगा। डोंट वरी घसीटे मेरे यार, मेरी लैब को बर्बाद करना इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मोटू
पतलू मेरे भाई मेरे यार, इन अंडों से बच्चे निकलेंगे और वो भी अंडे देंगे, उनसे और बच्चे निकलेंगे और वो भी अंडे देंगे। अरे देखते देखते तुम्हारे पास करोड़ों मुर्गियां हो जाएंगी यार। है थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। ओ यार, ये बल्ब मैंने तुम्हारी मुर्गियों के लिए खास तौर से बनाया है। इनसे कुछ ऐसी रेस निकलती है जो मुर्गियों को बहुत तंदुरुस्त बनाएंगी और उन्हें हर बीमारी से दूर रखेंगी। है अगर मैं इस बल्ब को अंडों के और नजदीक कर दूं तो मुर्गियां और ज्यादा तंदुरुस्त बन जाएंगी। अरे ये क्या कर रहे हो, हमने पोल्ट्री फार्म खोला है, जिम्नास्टिक क्लब नहीं। अरे तुम जब देखोगे जो मैंने देखा है तो तुम भी जिम्नास्टिक करने लगोगे। वो देखो उधर, घसीटे देखो, मैंने एक ऐसा रिमोट बनाया है जिससे इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है यार, और इंसान से जो चाहो वो करवाया जा सकता है। ये देखो, ओ घसीटे मेरे दोस्त, तुम एक मुर्गी की तरह बिहेव करो और बांध देना शुरू करो। है घसीटे, रुक जा। ओए घसीटे रुक जा यार, ओए घसीटे रुक जा, ओए घसीटे रुक जा यार, घसीटे। इंसान को कंट्रोल करने वाला रिमोट, अरे ये तो कमाल हो गया। चल के पतलू को दिखाता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि ये रिमोट जानवरों को भी कंट्रोल करता है या नहीं। ये तो कमाल का रिमोट है, पर ये पापड़ हम कब खा सकेंगे? पहले धूप में सूख जाने दो, फिर खा लेना। दोस्तों, आज पापड़ पार्टी है। ये कौवों की आवाज क्यों आ रही है? अरे पतलू, कौवों ने सब पापड़ खा लिए। वो देखो पेड़ पे बैठ के मजा ले रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, एक थाल और है, इसको सूख जाने दो फिर पापड़ खा लेना। इस बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के पापड़ की रखवाली करूंगा। अरे ये क्या हो रहा है, किसने कपड़ा डाला? मेरे पापड़ मत खाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैं इन कौओं को नहीं छोड़ूंगा। पतलू ने दो बार पापड़ बनाए लेकिन कौवे बार बार हमारे पापड़ खा जाते हैं, हम उनको भगाते हैं लेकिन वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, पापड़ हमारे खा रहे हैं, वो हम क्या करें? ओ चिंता मत करो मोटू मेरे भाई मेरे यार, मैं तुम्हें ऐसा गैजेट दूंगा कि ये कौवे तुम्हारे पेड़ के आस पास भी नहीं आएंगे यार। ये लो यार, क्रो स्कैरिंग गैजेट। मजा सबसे गिन गिन के बदला लूंगा। अरे क्यों रात में उनको परेशान कर रहे हो? उन्होंने मेरे पापड़ खाए हैं, मैं एक एक पापड़ का हिसाब लूंगा। मेरे घर से दूर चले जाओ वरना आज के बाद तुम लोग कभी रात को सो नहीं पाओगे। हाँ,
हमारा मकान देखो किस तरह टूट फूट गया है, दरवाजे खिड़कियां तक निकल गई है और मकान मालिक है कि रिपेयर ही नहीं करवा रहा। बड़े भैया मदद करो। मेरे यार तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ह्यूमन हाउस देता हूँ। ह्यूमन हाउस? हाँ मेरे भाई, ह्यूमन हाउस वो इंसानों की तरह चलता फिरता है और बोलता भी है, तुम उसे जहाँ चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर झटका। ओ यार इसका नाम माइक है, ये मकान बोलता भी है और हाँ एक बात का ध्यान रखना, इसे सफाई बहुत पसंद है। हमें मंजूर है, मंजूर है। चलो पतलू इसे ले चलते हैं और हम अपने मकान के सामने ही रहेंगे। चलो दोस्त चले। दोस्त नहीं, तुम मेरे किराएदार हो, दोस्ती बराबर वालों में होती है, मकान मालिक और किराएदार में नहीं। ए मोटू, ये कैसा मकान है जो खुद चल रहा है? अरे ये डॉक्टर झटका से लिया है, अब हमें रहने की कोई समस्या नहीं, अब हम इसमें ही रहेंगे। चल के देखे। क्या बात है? सब कुछ है। जूते उतार कर फिर अंदर जाओ, अपने घर को साफ रखना चाहिए। चप्पल जूतों से बाहर की गंदगी अंदर आती है, उससे बीमारियां फैलती हैं। अरे अपनी बकबक बंद करो, नहीं उतारते चप्पल जूते, बोलो क्या करोगे? अरे चप्पल तो उतार दी, सॉरी सॉरी मिस्टर माइक, फिर से गलती नहीं होगी।